प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपना 10वां पाठ दो गौरैया का हमने पठन किया था और व्याख्या की थी, और आपके लिए मैंने इस पाठ का पठन अभ्यास भी किया था ताकि आप पठन को ध्यान से सुन करके आप अपना पठन कार्य जो है वो घर पे दोहरा सकें। तो आज हम अपने शब्द अर्थ तथा मुहावरों को एक बार से देख लेते हैं। तो जो कौन कौन से हैं शब्द अर्थ को, और पाठ में इसके अलावा भी बहुत से कठिन शब्द हैं, हम कहेंगे नए शब्द हैं, कठिन शब्द तो नहीं कहना चाहिए, और उस पर भी जरा सी चर्चा करेंगे। तो इसमें एक मुहावरा दे रखा, छाती फुलाए का अर्थ होता है गर्व से, मुहावरा है, और बाकी जो शेष शब्द हैं वे शब्दार्थ ही हैं, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो हम लोग एक बार पहले पठन से ही शुरू करते हैं ताकि जो नए शब्द आएंगे उनको भी हम उनको जान सकें तथा उनको उनका अभ्यास कर लें। तो एक बार मैं आपको फिर से पढ़ देता हूं और उसके तुरंत बाद हम इसका पठन अभ्यास तो आपने कर ही लिया है, और हम शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और एक मुहावरा है उसको भी नोटबुक में लिख करके याद करें। तो पाठ 10 मैं एक बार पठन अभ्यास आपको कर देता हूँ। पाठ 10, दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो सराय वह स्थान होता है, विश्राम स्थल होता है, जहाँ पे यात्री कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रुकता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। तो सराय का अर्थ होता है विश्राम स्थल। आंगन में नीम आम का एक पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते। डेरा डालना का मतलब होता है कि घर बनाकर रहना, ये कम देर के लिए जब रहा जाता है तो उसको डेरा ही कहा जाता है, क्योंकि पक्षी भी हमेशा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वे कभी भी स्थाई घर नहीं बनाते, हमें पता है। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया। पता क्या होता है? स्थान की सूचना, जैसे हम पत्र पे क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। तो पिताजी को तो लगता था सबसे पहले दिल्ली जो भी पक्षी आता था वो हमारे आंगन के जो आम के पेड़ पे ही सीधा आके उतरता था, शायद वह पता लिखवा कर आया। यहाँ पे पता का अर्थ है स्थान की सूचना, जो हम पत्र पे पता लिखते हैं। कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। तो गौरैया जैसे हमने बताया हमारे पाठ का नाम भी है, तोता तो आप जानते ही हैं, गौरैया, गौरैया को इंग्लिश में स्पैरो कहा जाता है। बच्चों ये कम हो रही है इनकी संख्या, आपको भी पता चला होगा कि अब इनकी संख्या पहले जितनी नहीं रह गई, अब ये दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं। तोते भी हैं वे भी कम होते जा रहे हैं, वो भी विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए हैं। तो पैरट, स्पैरो, ये दोनों ही पक्षी जिसे हिंदी में तोता और गौरैया कहा जाता है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। वह शोर मचता है कि कान के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। पिता के अनुसार, लेखक के पिता के अनुसार, उन्हें चिड़ियों का जो चहचहाना शोर लगता था, और उनको ये शोर इतना अधिक लगता था कि वे कह रहे हैं कि शायद कान के भी पर्दे फट सकते हैं, इतने जोर से पक्षी गाना गाते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, बसते का अर्थ है यहाँ रहते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, हमें पता है चूहे
ये रात को ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स में आपको बताया था ईवीएस में, तो ये रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी दौड़ लगाते हैं। बहुत धमा चौकड़ी मस्ती है, शोरगुल, धमा चौकड़ी का यहाँ पे अर्थ है शोरगुल मस्ती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। तो हम लोग यहाँ पे किसके लिए आए हैं? लेखक और उसके माता पिता। कैसे? बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। दूसरे को बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, पर हाँ कभी कभार झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, और न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर घूम संगीत सुनाई देता है। तो कबूतर की बोली जो है गुटर घूम ही कहलाती है, क्योंकि वो लगभग इसी आवाज़ से एक दूसरे को पुकारते हैं या बोलते हैं। तो ये संगीत की तरह लगता है, क्यों? क्योंकि वह एक ही धुन में बस यही बात गुटर घूम ही करते हैं। तो ये कभी कभी संगीत क्या धुन अधिक लगता है। पर इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो फौज, जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चींटियों की तो जैसे फौज ही, मतलब चींटियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं। छावनी वो जगह होता है जब सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे होते तो उनको छावनी में रखा जाता है, छावनी में वे सदैव तैयार रहते हैं युद्ध के लिए। तो लेखक के पिताजी को तो लग रहे थे कि जो चींटियाँ हैं शायद उनके घर में ही रहती हैं, जैसे कि सैनिक छावनियों में रहते हैं, ठीक उसी तरह चींटियाँ फौज के रूप में होती हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, यहाँ तक कि चलती भी कतार में हैं, तो इसीलिए उनकी तुलना फौज से की गई है। तो उन्हें अपना जो घर भी है वो छावनी जैसा ही लग रहा था। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदार पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसी ही चली भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है और सामान भी ले आई है। मज़े से बैठी दोनों गाना गा रहे। तो लेखक और उनके परिवार को आश्चर्य तब हुआ जब वही गौरैया उन्होंने बैठक के पंखे के गोले में अपना नन्हा सा घोंसला बना लिया था, और वे काफ़ी प्रसन्न लग रही थी क्योंकि वे चहचहा रहे थे खुशी के मारे। अब ये कहने की बात नहीं थी, जाहिर है, मतलब ये तो खुद ही पता चलता है कि उन्हें शायद हमारा घर वो पसंद आ गया था, इस कारण से वे काफ़ी खुश दिख रहे थे। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये यहाँ से नहीं उड़ेंगे, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। तो लेखक के माताजी थीं, उन्होंने ये संभावना जताई कि जब चिड़ियों को जगह पसंद आ जाती है, खासकर गौरैया जो है उनको अगर स्थान पसंद आ जाता है तो वहीं पे रहती हैं, वहीं घोंसला बना लेती हैं, वहीं अंडे देती हैं तथा बच्चों का लालन पालन भी उसी स्थान पर करती हैं। पिताजी को गुस्सा आ गया, बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है, गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, अभी बाहर निकाल करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो यहीं से माँ ने पिताजी पे व्यंग के बाण छोड़े, व्यंग से कहा कि आपके बस का नहीं है, आप बाप गौरैया को नहीं निकाल सकते क्योंकि अब ये इन्होंने यहाँ पे अपना घोंसला बना लिया है। घोंसला बना लेने के बाद
ये अपना विचार नहीं बदलती हैं। और आप तो मत ये बात करिए, क्योंकि आप तो चूहों को भी बाहर नहीं निकाल पाए हैं, और गौरैया, चूहे तो ज़मीन पे रहते हैं, गौरैया तो उड़ती हैं, वो निकालना और मुश्किल काम होगा। और व्यंग का अर्थ होता है मजाक। यहाँ पे माता जी व्यंग कर रही हैं। पिताजी ने समझा माँ उनका मजाक उड़ा रही है, वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे, मुंह से शर शर करने लगे, कभी बाहें झुलाई, कभी कूदने लगे। गौरैया ने घोंसले से फिर सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ चीची करने लगे। माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? तो जब ये चिड़ियों का व्यवहार था, जबकि उन्होंने पिताजी को देखा नीचे ताली बजाते हुए, तो चिड़िया क्या करी, शायद वे डर गई थी या उन्होंने चीची करके पिताजी की तरफ देखा, क्योंकि उन्हीं का जो वे शायद ताली बजा के कूद रहे थे, वो चिड़ियों को भगाने का प्रयास कर रहे थे। माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है, ये तो भगाने का तरीका होता है। अगर किसी चिड़िया को डरा दिया जाए तो वो भाग जाती हैं। तो माँ ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है। पिताजी को गुस्सा आ गया, माँ की हंसी पिताजी को अच्छी नहीं लग रही थी। माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो चिड़िया आपस में क्या बात कर रही थी, वो माँ ने व्यंग के अनुसार ही उसे बताया कि देखो पूछ रही है कि देखो वो आदमी कौन है जो नीचे ताली बजा रहा है और नाच भी रहा है। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वे पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डहने पर जा बैठी और पिताजी का नाचना उन्हें पसंद आ रहा था। अब चिड़िया ने अपना पंखा छोड़ा, दूसरे पंखे पे आकर बैठकर पिताजी के जो हरकत थी, जो पिताजी का प्रयास था चिड़ियों को भगाने का, उनको देख रही थी। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माताजी जो थी लेखक की माताजी, वो बार बार लेखक के पिता को गुस्सा दिला रही थी कि अब आपका सारा प्रयास जो है, आप जो उछल कूद करके जो प्रयास कर रहे हैं, सब व्यर्थ किया, क्योंकि शायद इन्होंने अब अंडा दे दिया है और अंडे देने के बाद चिड़िया जो होती हैं वे अपना जगह नहीं बदलती हैं। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी ने कहा, निकलेंगी कैसे नहीं पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। पिताजी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, तो वे लाठी लेकर, उन्होंने लाठी से पंखे के गोले को ठकोरा, ठकोरा मतलब उस पर ठोका, ताकि चिड़िया डर जाएं और वे घर छोड़ करके चले जाएं, भाग जाएं। चीची करती गौरैया पर्दे के डंडे पर जा बैठे, तो चीची करके उन्होंने अपना पंखा का जो गोला था वो तो छोड़ दिया और वे उड़ के कहाँ चली गई, वो जो हम कहेंगे पर्दे के डंडे, पर्दे लगाने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा जिसमें रिंग लगा होता है। चिड़ियों ने उसे सुरक्षित स्थान समझा और वे वहाँ पे चली गई। फिर आगे क्या हुआ हम उसको देखते हैं। एक गौरैया रसोई घर के दरवाजे के पर जाकर जाके बैठी और दूसरी चिड़ियों के दरवाजे पर। अब जो चिड़िया थी वे घर के अलग अलग भागों में जा करके दरवाजों पर बैठ जा रही थी अपने, और पिताजी का जो व्यवहार था उससे वे दुखी थी। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये बाहर निकलेंगे। तो पिताजी माताजी ने अब उनको समझाया कि आप ये भी, इसमें भी व्यंग था बच्चों, ध्यान से देखा जाए कि आप समझदार हो जी, इसमें समझदार मतलब कि आपको इतना भी नहीं पता, अगर आप चिड़िया बाहर निकाल रहे हैं तो आपको दरवाजे बंद कर देने चाहिए, केवल एक दरवाज़ा ही खुला होना चाहिए जिसके जिससे कि चिड़िया आराम से बाहर निकल जाए। लेकिन फिर क्या होता है, अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, लेखक भी पास में ही खड़ा ये तमाशा देख रहा था कि क्या कर रहे हैं पिताजी और माताजी के बीच में जो संवाद चल रहा था उसको सुन रहा था। पिताजी ने
मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दो। तो लेखक ने दरवाजों को बंद किया, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। ये कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहा है। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। छींची करती चिड़ियाँ कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिरकार दोनों दरवाजे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। और तो पिताजी ने लाठी से शायद चिड़ियों को डरा दिया था और इस कारण से वे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर चली गई थी और फिर रसोई घर के दरवाजे से वे बाहर भी चली गई। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी। अब वे निश्चिंत हो गए थे कि अब वे चिड़िया नहीं आएंगी, इसीलिए उन्होंने लाठी को दीवार के साथ टिका कर रख दिया था और छाती फुलाए कुर्सी पर जाकर बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तो पिताजी का ये था कहना कि अगर हम दरवाजे एक दिन के लिए बंद कर देते, चिड़ियों को हमने बाहर निकाल दिया है और एक दिन तक उनको घर के अंदर नहीं आने देंगे, तो क्या है, चिड़िया डर जाएंगी और वे समझ जाएंगी कि ये घर रहने लायक नहीं है और वे उसे छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं। तभी पंखे के ऊपर से चीची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले पर मौजूद थे। तो उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि अभी तो इनको घर से बाहर किया गया था, बाहर निकाला गया था, लेकिन ये फिर ऊपर वापस घोंसले पे कहाँ से आई? दरवाजे के नीचे से आई है, माँ बोली। शायद जो गौरैया होती है वो काफ़ी छोटी चिड़िया होती है, दरवाजे के नीचे से जो जगह होता है शायद वहाँ से आ गई है, माताजी ने बताया। किसकी माँ थी? लेखक की माताजी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया, उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चीची करती हुई बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद। तो पिताजी ने दरवाजे के नीचे तो भले कपड़े डाल दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद उन्होंने चिड़ियों को फिर से कमरे के अंदर घोंसले पे ही पाया। तो अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। तो ध्यान से देखने में पता चला कि एक रोशनदान का शीशा टूटा है, वहीं से चिड़िया वापस अंदर आ जा रही। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। तो माँ ने देखा कि बार बार निकाले जाने पर भी अगर कोई चिड़िया आ रही है तो ज़रूर उसने अंडे दिए होंगे। अब अंडे देने के बाद चिड़िया जल्दी घोंसला नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो अंडे उठा के नहीं उड़ सकती हैं। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। इतने में रात हो गई, हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। दूसरे दिन इतवार था, जब हम लोग नीचे उतर रहे तो वे फिर से मौजूद थी, मज़े से मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में देर न लगी, अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। तो लगातार पिताजी गौरैयों को बाहर निकालते थे और अगले दिन कुछ समय बाद वे अंदर ही मिलती थी। पिताजी परेशान हो गए, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? जब उनकी सहनशीलता चूक गई, सहनशीलता चूक जाना मतलब अब वे चिड़ियों को अब नहीं सहन कर पा रहे थे, तो वे कहने लगे कि अब गौरैया का घोंसला नोचकर बाहर निकाल देंगे। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो वे जब हार गए, उन्होंने कहा कि बार बार ये घोंसले के पास ही आ जाती हैं, तो क्यों ना मैं घोंसले को ही बाहर कर दूँ। और इसके लिए उन्होंने बाहर से स्टूल ले लिया। स्टूल की सहायता से अब वे शायद आसानी से पंखे तक पहुंच सकते थे। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक दिन के बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया
और दाईं ओर खींचा, दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आए। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। सूखी घास, रुई के फाहे, धागे और तिगलियाँ, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए, जो भी आरामदायक वस्तु होती हैं, चाहे धागा हो, तिगलियाँ कपड़े के छोटे टुकड़े होते हैं, उनको भी ले आते हैं, लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्हे नन्हे गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रहे थे। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आया, लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। ननी चिड़िया के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चीची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा होता है चिड़ियों को खिलाया जाने वाला, चिड़ियों के बच्चों को खिलाया जाने वाला दाना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। तो अब पिताजी को गुस्सा नहीं आ रहा था। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ, 10वां पाठ, दो गौरैया। अब हम चलते हैं शब्दार्थ को लिखें। शब्दार्थ और मुहावरे, तो मुहावरे तो एक ही है, तो मुहावरा ही लिखेंगे, एक ही मुहावरा है मुहावरे। तो पहला है शब्दार्थ। शब्दार्थ का पहला शब्द है छावनी। इसका अर्थ होता है पड़ाव या शिविर। पड़ाव तो छावनी, जैसा कि आपने सुना होगा, छावनी का अर्थ होता है शिविर या पड़ाव। तो जैसे वाराणसी छावनी है, दिल्ली छावनी है। तो छावनी क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है जब सैनिक युद्ध नहीं कर रहे हो, तो छावनी में भी अभ्यास करते हैं और रहते हैं। जब सैनिक युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो छावनियों में रहा करते हैं। तो छावनी का अर्थ होता है पड़ाव या फिर शिविर। यहाँ पे सैनिकों के रहने का स्थान होता है और वे युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, तो उस क्षेत्र को छावनी कहा जाता है। दूसरा है जाहिर। जाहिर है जाहिर। जाहिर का अर्थ होता है स्पष्ट। स्पष्ट तो जैसे पिता ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि अब वे घोंसला नोच कर बाहर फेंक देंगे। जाहिर करना मतलब स्पष्ट कर देना। व्यंग, व्यंग को मैंने आपको बताया था ताना। यहाँ पे मजाक और ताना दोनों के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो व्यंग का अर्थ होता है व्यंग का मजाक या फिर ताना, दोनों ही सही है। व्यंग
पाठ के अनुसार इसे ताना ही कहा जाएगा, क्योंकि माता जी ने कहा था कि गौरैयों को भगाना आपके बस का नहीं है, क्योंकि आपने आप चूहों को भी नहीं भगा पाए, तो चूहों से मुश्किल काम है गौरैया को भगाना, क्योंकि चूहे तो जमीन पे रहते हैं, गौरैया तो उड़ने वाला जीव है। तो व्यंग का अर्थ है ताना, पाठ के अनुसार व्यंग का अर्थ है ताना। माँ ने बार बार पिताजी को, जो लेखक की माँ थी, वे बार बार लेखक के पिताजी को व्यंग से कहा करती थी कि आपके बस का नहीं है। देखो चिड़ियों ने, चिड़िया तो बेचारी ची ची कर रही थी, तो उन्होंने कहा ची ची करके शायद पूछ रहे हैं कि ये आदमी कौन है जो ताली बजाते हुए नाच रहा है। तो एक तरह से इसे व्यंग बोला जाएगा या ताना बोला जाएगा। इस कारण से पिताजी बहुत ही अधिक गुस्सा हो गए थे और उन्होंने घोंसला फोड़ने का भी फैसला कर लिया। तो यहाँ पे व्यंग का अर्थ ताना ही है पाठ के अनुसार। ठकोरा मतलब ठक ठक करना, ठोकना हम आम भाषा में बोलते हैं। तो पिताजी लाठी से जो पंखे के गोले पर ठकोर रहे थे, मतलब ठक ठक कर रहे थे, ताकि पक्षी जो गौरैया थे वे डर के उनका घर छोड़ दें। चौथा है ठकोरा, ठक ठक करना। तो लाठी की सहायता से भी ठक ठक कर रहे थे ताकि पक्षी डर कर घर छोड़ दें। छाती फुलाए मुहावरा है मल्हार, ये है शब्दार्थ है मल्हार। मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक राग है, एक राग है। तो पाठ के अनुसार हम कहेंगे कि जब चिड़िया बार बार पिताजी के भगाए जाने पे भी वे आ जाती थी और फिर खुशी से मल्हार गाती थी, मतलब चहचहाती थी। यहाँ पे मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में एक राग गाया जाता है, इसमें काफ़ी जोर से ये राग गाया जाता है, तो इसीलिए इसे मल्हार कहा गया। क्योंकि पिताजी को जो चिड़ियों की आवाज़ जो थी वो काफ़ी जोर जोर से लग रही। हमारा छठा है छठा शब्द अर्थ है छठा है थिगलियां। थिगलियां कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। पक्षी होते हैं अपने घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए धागे, रुई के फाहे या फिर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये थिगलियां इसे ही कहा जाता है, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। तो इन कपड़ों की छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से भी घोंसला घोंसले में रखते हैं, शायद अपने घोंसले को अधिक आरामदायक बनाने। अगला है आवाक, अगला शब्द है आवाक। आवाक मुंह से, या इसके दो अर्थ हैं, एक हैरान या फिर
मुंह से बोल ना पाने की दशा, मुंह से बोल ना पाने की, बोल ना पाने की दशा। तो जैसे ही लेखक ने देखा कि अरे घोंसले में तो चिड़िया के बच्चे हैं और शायद पिताजी की लाठी से मर ना जाए, तो अवाक हो गया, हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चिड़िया के घर घोंसले से उसे चीची की आवाज़, उनके बच्चों की आवाज़ सुनाई दे। तो बच्चों अभी हम शब्दार्थ और मुहावरों को अपने कल के पाठ में करेंगे, आज के लिए बस इतना है।